अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो शिहाब छोटूर है वो केरला से निकल चुके हैं हज करने के लिए। वो भी पैदल सफ़र तय कर रहे हैं। तो शिहाब भाई को देख के ये भाई भी निकल चुके हैं अपने घर से, पैदल सफ़र तय कर रहे हैं हज करने के लिए। क्या उनके पास पासपोर्ट वीज़ा है या नहीं, आज के इस वीडियो में जानते हैं। पहला उनका एक छोटा सा क्लिप वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये भाई भी निकल चुके हैं, भाईजान भी निकल चुके हैं हज पे। तो भाई साहब से पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं, देख ली इनके साथ में ही काफी लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो भाईजान आप कहाँ से आ रहे हैं? रेवसा से। काफी टाइम से आप चल रहे हैं क्या? नहीं चल तो अभी 2 दिन से रहे हैं। अच्छा अच्छा और ये लोग भी जा रहे हैं क्या? आप लोग भी जा रहे हो? ये लोग थोड़ी देर के लिए साथ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो छोड़ने के लिए आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो भाईजान ये बताइए, आपके पास वीजा है? वीजा नहीं है। वीजा नहीं है? नहीं। तो कैसे आप जा पाओगे वहाँ पर? अल्लाह की रहमत से पहुँच जाएंगे पैदल पैदल। अच्छा, अल्लाह की रहमत से पैदल पैदल पहुँच जाओगे, तो भाई जान आप थोड़ा रुक जाएंगे? हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ, तो आप बताओ, जानते हैं आप शिहाब की तरह भाई, आपने कोई प्रैक्टिस की है क्या? हाँ, 10-12 साल पैदल चलने की प्रैक्टिस की है। 10-12 साल? तो आपके मन में कैसे, आपके दिमाग में कैसे ख्याल आ गया कि हम पैदल हज यात्रा जाएं? जैसे सियाब भाई जा रहे हैं पैदल। हाँ हाँ, उनके स्वागत के लिए और आदमी। हाँ हाँ, उनके स्वागत में हम समझ रहे हैं काफी लोग जा रहे हैं, काफी लोग हैं, काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी जैसे अपना जिला क्रॉस करेंगे। हाँ हाँ, अगले जिले वाले मिलेंगे, वो पूछेंगे, उनको बताएंगे कि हम हज पे जा रहे हैं। हाँ हाँ, वो हमारा रास्ते का थोड़ा ख्याल रखेंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे निकलते रहेंगे। अच्छा अच्छा, ऐसे आदमी मिलते रहेंगे। अच्छा, देखिए भाई, और ये आपके सपोर्ट में ही सारे लोग आ रहे हैं ना? ये आपके गांव के तो है नहीं? गांव के नहीं, हमारे सपोर्ट के हैं सर। ये आपके सपोर्ट में देखिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो आपकी सेफ्टी के लिए जा रहे हैं ना? हाँ, सेफ्टी के लिए जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई जान आप बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आप पहुँच पाओगे वहाँ पर? भाई हिम्मत करना हमारा काम, बाकी पहुंचाना तो अल्लाह काम है। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। कुछ मौलाना बोलते हैं कि आप अगर पैदल जाओगे, आप लोग पैदल जाओगे तो हज कबूल नहीं होता है, कुछ ऐसा है क्या? पैदल जाने से ज्यादा एक पक्की वो है। अच्छा अच्छा, पक्का हज होता है। और जितनी मेहनत से जाएंगे, जितनी तकलीफ हमको होगी, उससे ज्यादा सवाब हमको देगा। अच्छा अच्छा, तो आप अल्लाह से क्या मांगना चाहेंगे? इतनी कड़ी आप क्यों, आपको पता है कि कितनी दूर है, कितने कितने? हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, जो भाई हमारे साथ पीछे पीछे चल रहे हैं इनके लिए दुआ मांगेंगे। अच्छा, दुआ मांगेंगे वाले के लिए, अपने जिले वालों के लिए दुआ करेंगे। दोस्तों, जैसे आपने सुना हो ये भाई साहब की बातें, जब उनसे पूछा गया कि उनके क्या आपके पास पासपोर्ट वीज़ा है या नहीं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट वीज़ा है ही नहीं। और वो कह रहे हैं कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। हाँ बेशक अल्लाह मदद करेगा, जब आप किसी मुल्क में जा रहे हो, किसी और कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि टोटल 5 कंट्री से होके गुजर रहे हैं, तो उन सारे कंट्रियों का अलग अलग वीज़ा है, अलग अलग पासपोर्ट है, तो उन सारे पासपोर्ट वीज़ा को आपको कलेक्ट करके जाना है। क्योंकि जब हम किसी मुल्क में जाते हैं तो वो हमें बिना परमिशन के एंट्री नहीं करने देते, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करना है। वो भाई साहब बस शिहाब भाई को देख के निकल पड़े कि वो भी फेमस हो जाएंगे, वो भी जितना शिहाब भाई को प्यार मिल रहा है, वो भी उनको भी प्यार मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि हज करना बहुत ही अच्छी बात है, पैदल सफ़र करना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ा सवाब का काम है दोस्तों, पर आप पासपोर्ट वीज़ा हर जो भी परमिशन होता है उसको लेके जाओ, ताकि कोई भी आपको रोक ना पाए। अब शिहाब भाई को बहुत सारी जगह पे रोका गया कि आपके पास पासपोर्ट वीज़ा है या नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो शिहाब भाई हर चीज़ दिखाए। अब शिहाब भाई पूरे डॉक्यूमेंट के साथ निकल पड़े, तो इसीलिए शिहाब भाई को लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है, क्योंकि शिहाब भाई एक दिन में उसके बारे में नहीं सोचा, शिहाब भाई बहुत सालों की मेहनत थी, इसीलिए शिहाब भाई निकल चुके। तो दोस्तों, अभी ये भाई भी निकल चुके हैं, जैसे आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। पहले उनका एक वीडियो देखिए, फिर मैं आपको आगे की बात करता हूँ। लखनऊ से चले हैं अभी, आज पे अभी निकले हैं, थोड़ी देर हुई, 15 मिनट चल आगे जाना है आज। आप लखनऊ में किस जगह से हैं? जी हम लखनऊ में राजेपुरम अमीनाबाद, आपने नाम सुना होगा। जी हाँ जी, वहीं पे एक राजेपुरम इलाका, वहीं से चल रहे हैं हम। आप पूरी पूरी तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी मतलब किस चीज़ की तैयारी? पासपोर्ट वीजा इधर सब आपका ओके? अरे पासपोर्ट वीज़ा ओके, अल्लाह की राह में निकले इंशाल्लाह हर चीज़ हो जाएगी, पासपोर्ट वीज़े की क्या बात है। शिहाब भाई ने तो हर एक चीज़ ओके कर रखी है, तब निकले हैं पासपोर्ट वीज़ा इधर सब। तो आप वो शिहाब भाई को आप समझ रहे हैं, माशाल्लाह मालदार थे, उन्होंने जो ना पैसा खर्च किया, हम गरीब आदमी, हमारे पास कहाँ पैसा, इसलिए हम पैदल निकले। वैसे इंशाल्लाह निकलेंगे तो अल्लाह ताला की राह में निकलो तो अल्लाह ताला खुद जो है ना जरिया बना देता है किसी ना किसी चीज़ के जरिए। शिहाब भाई तो एक दिन में 25 किलोमीटर चल रहे हैं, आप कितना चलेंगे? हम इंशाल्लाह चलेंगे, कोशिश करेंगे, हमने तो प्रैक्टिस नहीं की है, हम वैसे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक दिन में 40 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, माफ़ी चाहूँगा, ये जो मैंने चीज़ करी इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
ये मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये मैं कोई हज पे नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने एक उन लोगों के लिए वीडियो शूट करी है जो लोग पैदल हज को मजाक बना करके रखे हैं। आप आज देख रहे हैं कि हमारे शिहाब भाई जिस तरीके से पैदल हज पर निकले हैं, उन्होंने माशाल्लाह कितना पैसा खर्च किया है, उनकी ये मुराद रही होगी कि वो अपनी जिंदगी में पैदल हज पर जाएंगे, और उनके इस चीज़ को उन्होंने एक साल पूरे प्रैक्टिस की है पैदल चलने की, तब वो आज जा करके एक दिन में 25 किलोमीटर पैदल वो आज चल रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने देखा कि कई मतलब शहरों से लोग पैदल जा रहे हैं, उसको मजाक बना करके रखा, किसी से पूछा जा रहा है वो कह रहा मेरे पास पासपोर्ट वीजा नहीं है, कह रहा आगे से जाएंगे, आगे हम जा रहे हैं पीछे पीछे पासपोर्ट वीजा आ जाएगा, और कोई ऐसा शख्स है मतलब जिसको सही से बात करने का ढंग भी नहीं, मुँह में पान रखे हुए हैं लेकिन वो भी हज पर निकल पड़े। तो कहने का मतलब ये कि हज को एक जो है ना मजाक के बना करके रख दिया गया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट करी है ताकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उन लोगों को समझ मिल जाए कि जो है ना इस चीज़ को मजाक मत ले, और इससे हमारे माहौल पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है और इससे हमारे शिहाब भाई की वैल्यू गिर सकती है, क्योंकि एक शख्स जो इतनी दूर से पैदल हज पर जा रहा है उसको अल्लाह ताला ने कितनी मोहब्बत है उसको अल्लाह ताला से, और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग जो गलत रास्ता अपना रहे हैं, लोग भी उनको देख करके TRP के लिए और जो है ना अपनी फैन फॉलोइंग के लिए पैदल हज पर निकले हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे शिहाब भाई की ज़िंदगी पर और उनके फैंस पर असर पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कदम कोई भी मत उठाए जिसकी वजह से जो है ना हज एक मुबारक चीज़ है, जिसकी वजह से जो है ना हज पर कोई आ जाए या जो है ना हमारे शिहाब भाई के ऊपर कोई आ जाए, यही आप लोगों से कहना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट करी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने चैनल पर प्लीज़ ये वीडियो को अपलोड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और गलत जो कर रहे हैं उससे रुके। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम। तो दोस्तों, जैसे आपने ये वाला वीडियो देखा, ये भाई साहब बस सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि सब लोगों को एक मैसेज पहुंच जाए, ताकि जो हज करना है बहुत ही अच्छी बात है, बट इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ही निकलना चाहिए। तो मैं आपको इसी तरह से दोस्तों अपडेट देता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।